राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ये 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S यानी ये दो सब यूनिट से बना हुआ है पहला सब यूनिट है 50S जो कि लार्जर सब राइबोसोमल सब यूनिट है और दूसरा है 30S जो कि स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है और S जो यहाँ पे है इसको हम सेडबर्ज यूनिट भी कहते हैं जिसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट तो अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो ये हमेशा आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और हैं हैं एंड फॉर्म करते पॉलीराइबोसोम जिसको हम पॉलीजोम भी कहते हैं। जिस तरह से आप इमेज में देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर का जो पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका एम है और राइबोजोम्स जो है वो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अटैच हो रहे हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं पॉलीजोम में वो एम से प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज भी पाते हैं और इंक्लूजन बॉडीज जो है एक तरह का रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि प्रोकैरियोटिक सेल यूज करते हैं जब उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है या कह सकते हैं कि ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं कुछ बॉडीज है, के जैसे कि लाइक्रोजेन ग्रैन्यूल्स फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और साइनोहाफाइशियल ग्रैन्यूल्स गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि हम देख सकते हैं पर्पल बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और इनके फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं गैस वैक्यूल्स की तो ये एक तरह से सेल के buoyancy में हेल्प करते हैं या फिर बोल सकते हैं हैं कि इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स गैस वैक्यूल का दूसरा फंक्शन ये है कि ये ओटो और लाइट इंटेंसिटी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं इनके फ्लोटेशन टेक्निक के थ्रू यानी जैसे ही ये फ्लोट करते हैं इनके फ्लोटेशन टेक्निक के थ्रू ये ऑक्सीजन और लाइट दोनों के ही इंटेंसिटी को रेगुलेट कर पाएंगे